उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी को मंत्रिमंडल से तत्काल बर्खास्त करने व बिना वैक्सीनेशन कराए परीक्षा कराने के विरोध में राजधानी में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सहित प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों पर कांग्रेस ने राज्य व्यापी डिजिटल धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हमारे संवाददाताओं ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से खास बातचीत की। लेकर एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर, आप देख सकते हैं तमाम जो नेता हैं, जो संगठन के लोग हैं वो बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष खुद बैठे हैं अजय कुमार लल्लू। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार है, पूरी सरकार और सरकार की मशीनरी भ्रष्टाचार में लिप्त है, 40 बड़े घोटालों के सरदार हैं मुख्यमंत्री। और अभी तो हद हो गया कि बेसिक शिक्षा मंत्री, जिन्होंने अपने भाई को ESW कोटे में नौकरी दिलवा दी, यह कहते हुए कि हमारा भाई गरीबी रेखा से नीचे का रहने वाला व्यक्ति है, खुद प्रोफेसर, पत्नी प्रोफेसर, 2016-17 में उन्होंने अपना आय 24 लाख, और सिर्फ उसमें सतीश द्विवेदी जी जो मंत्री हैं उनके 17 लाख की आय थी, 36 लाख की संपत्ति, 76 लाख का अचल संपत्ति उन्होंने चुनाव में घोषित किया था, 65 लाख की जमीन 12 लाख रुपए में लिखवाई अपनी माता जी के नाम से, 1,26,00,000 की जमीन 20 लाख में लिखवाई। वो कहते हैं जो जमीन लिखाई गई वो जमीन के पत्र हैं और हमने लीगल जमीन लिखाई है, कहीं कोई अनलीगल मामला है। वही तो कह रहा हूँ कि 26 लाख की जमीन, 26 लाख रुपए में जो जमीन उन्होंने लिखवाई है वो 1,26,00,000 की जमीन है। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू। इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी मांग है जो राज्य मंत्री हैं शिक्षा के और जिन्होंने तमाम अकूत संपत्ति कमाई है भ्रष्टाचार के माध्यम से, उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं। साथ ही साथ जो भी परीक्षाएं हो रही हैं बिना वैक्सीनेशन के परीक्षाएं न कराई।